हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज शाम के भागवत कथा के लिए। तो मैं विशेष रूप से जो है धन्यवाद देना चाहूँगा सारे भक्तों का जिन्होंने आज फिर समय निकाला है और सब एकत्रित हुए हैं जूम के कनेक्शन पे भागवतम सुनने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि बाहर के समाज में जब किसी को भागवत कथा कराना हो जिनको भक्ति के बारे में इतना ज्ञान नहीं होता तो वो लोग एक भागवत सप्ताह कराते हैं। और वो भागवत सप्ताह कराने के लिए जो है वो लोग लाखों रुपए का खर्चा करते हैं। और लाखों रुपए का खर्चा होने के पश्चात उनको भागवत कथा का संग मिलता है सिर्फ 7 दिन का। और उसमें भी जो है सिर्फ 7 दिन का कथा में के बाद जो है उनको कंटिन्यूस जो है भागवत कथा नहीं मिलता और उसके लिए लोग लाखों का खर्चा करते हैं। अभी हाल ही में ओझा जी जो अंबानी के गुरु हैं मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के, तो अनिल अंबानी के घर पे उन्होंने भागवत सप्ताह रखा था। तो उनके जो गुरु हैं वो उधर बोल रहे थे, तो राधानाथ महाराज भी गए थे, गौरांगपुर भी गए थे, तो उधर भी वैसे 7 दिन का कथा था, गुजराती में बोल रहे थे। तो वो लोग इतना लाखों लाखों रुपए का खर्चा करते हैं ये भागवत के लिए। पर हम देखिए इतने हम भाग्यशाली हैं कि हमें, और वो इतना लाखों का खर्चा करके भी जो है शुद्ध भक्ति का रहस्य उन्हें स्पर्श नहीं होता। हाँ कभी कभी हो भी सकता है, पर अधिकांश समय जो बाहर के कथाकार हैं उनको शायद कितनी बार मालूम नहीं रहता ये सब चीजें। तो अब प्रभुपाद जी की कृपा से सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें रोज भागवतम सुनने का मौका मिला है और प्रभुपाद जी ने ऐसे भागवतम हमें लिख के जो है इंग्लिश के रूप में दिए हैं जिससे हम लोग सब पढ़ सकते हैं। हाँ जी, जो हमें शुद्ध समझ रही है उसको हमें जो है आसानी से उसका हमें मूल्यांकन करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि बहुत मूल्यवान चीज है, इतना आसान नहीं है। दयामृत स्वामी बोल रहे थे कि वो उनकी तबीयत खराब थी थोड़ा, तो जिस दिन रथ यात्रा था जगन्नाथ पुरी में तो कमरे में ही थे और टीवी पे लाइव देख रहे थे। तो जो वो कमेंट्री दे रहे थे, कमेंटेटर जो होते हैं वो बोल रहे थे यही ब्रह्मा है, जगन्नाथ जी का जब रथ पे आस विराजमान हो गए थे बोल रहे थे यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही शिव है, और ऐसे करके करते करते कंटिन्यूस लोग बोलते जा रहे थे। तो फिर दयामृत स्वामी जब शाम को प्रवचन दे रहे थे बोले जो लोग ये कमेंट्री देते हैं वो Your लोग voice या is तो very प्रोफेसर हैं नहीं तो बहुत बड़े स्कॉलर हैं नहीं तो उन्होंने बहुत सारी किताबें किताबें लिखी होंगी। मतलब इतना होने के पश्चात क्या बोल रहे हैं वो लोग, वही ब्रह्मा है, वही है, वही विष्णु है, ऐसे थोड़ी होता है। सिर्फ विष्णु एक, आप जगन्नाथ जी है कि मर शिव भगवान विष्णु के समान है या ऐसा बोलते तो पाषंडी के समान बताया जाता है। तो भक्ति रस देवम्रत स्वामी बोल रहे थे कि हमको जो क्लैरिटी मिला है भक्ति में इस कौन के कारण, प्रभुपाद के कारण, वो पूरी दुनिया में नहीं है, दुनिया पूरी की पूरी हौच-पौच है और इंडिया में तो स्पेशली भर भर के इतने सारे जो है फिलोसफी हैं, इतने सारे लोग हैं और इतना इतना अपना अपना चीज बोलते रहते हैं। तो हमें समझना है कि हमारा बहुत भाग्य है कि प्रभुपाद की किताबें हमने पढ़ी हैं और प्रभुपाद की किताबों के कारण हमको जो है 6 महीना कोई प्रभुपाद की किताबें पढ़ लेता है तो उसको पूरा फिलॉसफी अंदर बाहर मालूम चल जाता है। इस्कॉन कोई छोड़ता है तो इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि उसको फिलॉसफी के ऊपर डाउट आता है। फिलॉसफी सबको मालूम है और किसी को ये डाउट रहता है अरे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं इसलिए मैं इस्कॉन छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं, अधिकांश लोग जब इस्कॉन छोड़ के जाते हैं क्योंकि उनके संबंध
उनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ जाता है। तो बहुत जरूरी चीज है हम भक्तों को ध्यान रखना, फिलॉसफी के साथ साथ हमारा प्रैक्टिकल डीलिंग जो वैष्णव के साथ है वो किस तरह से है। तो जैसे वर्णन आता है कि राजा राधानाथ महाराज ने जब गौरांग प्रिया को पूछा था, गौरांग प्रिया प्रभु ने पूछा था महाराज को, मैंने लास्ट मीटिंग में बताया कि महाराज जब बहुत सारी परेशानियां तकलीफ आती हैं तो कैसे उससे जूझना चाहिए, कैसे उसे संभालना चाहिए। तो महाराज ने बोला साधना, संग और सेवा। और उसके साथ एक और है जो यहाँ के इसमें बतलाते हैं, वो है सदाचार। सदाचार मतलब आपका व्यवहार। हाँ, इतना सारा आपने भागवतम साधना में पढ़ा है या जपा किया है, संग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों के बदले में आपका सदाचार क्या है, आपका व्यवहार क्या है, आप कैसे लोगों से आदान प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आप गलत आदान प्रदान करते हैं तो लोगों का पूरा श्रद्धा उठता है भक्ति पे से, इस्कॉन पे से। तो हमें बहुत जरूरी है कि हमारा सदाचार, हमारा व्यवहार हमें जो है संपूर्ण भक्तिमय रूप से करना जरूरी है। जैसे चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर में जब चर्चा होता है तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं बहुत सारे लोग हैं जो प्रचार करते हैं लेकिन उनका आचरण ठीक नहीं रहता। प्रचार करे ना करे ना करे आचार, आचार करे ना करे ना करे प्रचार। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि कई लोग प्रचार करते हैं पर उनका जो है व्यवहार, उनका आचरण ठीक नहीं रहता, और कई लोग का आचरण बहुत अच्छा है लेकिन वो प्रचार नहीं करते। तो दोनों का ही कुछ कल्याण नहीं है, दोनों का ही कुछ ज्यादा फायदा नहीं है। फिर बोलते हैं नहीं हरिदास ठाकुर, लेकिन आप जो है तुम्ही कर ही दो तु ही कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगते आर्य। अर्थात कि आपके जीवन में मैं देख रहा हूं कि आप जो है आचरण भी कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं, इसलिए आप तुम्ही सर्वे सर्वत्र गुरु, आप सबके गुरु हैं और आप आचार्य हैं। आचार्य अर्थात जो अपने आचरण से सिखाता है। तो जितना भी हम भागवतम सुन रहे हैं तो ये भागवतम शुड ट्रांसलेट इन अवर पर्सनल बिहेवियर, अर्थात ये जो भागवतम हम सुन रहे हैं, भक्ति जो हम कर रहे हैं, वो हमारे आदान प्रदान में आना चाहिए। तो लोगों को लगना चाहिए कि ये जो है भक्त लोग जो है सिर्फ किताब भागवत नहीं पढ़ रहे पर उनका जीवन भी भागवत प्रधान है, अर्थात कृष्ण भगवान के शिक्षाओं के हिसाब से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं, नहीं तो क्या होगा, हम लोग सिर्फ चर्चा करने के लिए एक एक कहानियां सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, ठीक है अच्छा लग रहा है वो उसके हिसाब से हम सुनेंगे, पर नहीं, ये सब अपने जीवन में हमें अपनाना है और उसमें शुद्धिकरण कराते हुए ये करना है। तो कल हमने देखा कैसे महाराज परीक्षित का जो है उनका जन्म ये जो है 12वें अध्याय में पूरा वर्णन किया गया है। तो उसमें जो परीक्षित महाराज के बारे में लोग प्रश्न पूछते हैं कि इनके जन्म के बारे में बताइए, इनके मृत्यु के बारे में बताइए, इनके कर्मों के बारे में बताइए, जो दूसरे श्लोक में हमने चर्चा किया था कि कैसे जो है उनका जन्म हमें मालूम है गर्भ में हुआ था, और उस गर्भ में मतलब विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान स्वयं आए थे उनको बचाने के लिए, वो आज चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक में हम लोग। और कैसे उन्होंने कली को जो है पूरी तरह से तकरीबन मारने ही वाले थे लेकिन उन्होंने आश्रय ले लिया इसलिए उनको छोड़ देते हैं। तो उनके कर्म भी ऐसे थे कि साक्षात कली को उन्होंने पूरा झुका दिया था, और जब उनका अंतिम समय आया शरीर छोड़ के जाने का तो सुखदेव गोस्वामी वहां आ जाते हैं भागवतम उनको सुनाने। तो कितनी बार हमने ये सुना है कि हाँ उनका जब अंतिम समय आ रहा था 7 दिन 7 रात थे तो सुखदेव गोस्वामी आ गए। अभी जरा आप लोग सोचिए कि ये कैसे संभव है। आप समझ लीजिए कि आपके पास मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है, और आप हाईवे पे जा रहे हैं और भगवान न करे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और हड्डी टूट जाती है, लेकिन पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन है अर्थात हड्डियों के डॉक्टर, और वो तुरंत आते हैं, पूरा बांधते हैं, ये करते हैं, हेल्प करते हैं, वो करते हैं। तो आप बोलोगे अरे कृष्णा का बड़ा संयोग है कि भैया एक्सीडेंट हुआ और पीछे ही हड्डियों के डॉक्टर थे गाड़ी में, उन्होंने पूरा मदद कर दिया और उन्होंने
जो है बचा लिया। तो उसी प्रकार से आप सोचे, सुखदेव गोस्वामी को कैसे मालूम चला वहां पर उन्हें आना है, वे 7 दिन 7 रात में, और तो एकदम जो है भ्रमण करते हुए साधु थे, लेकिन वो उसी वक्त पहुंच गए क्योंकि परमात्मा ने उनको जो है ऐसे उनको उत्साह कराया कि वो अभी उनको जाना चाहिए महाराज परीक्षित को मदद करने के लिए। तो देखिए उस वक्त 5000 साल पहले आप सोच सकते हैं कोई तरीका नहीं था जिससे महाराज परीक्षित ढूंढे सुखदेव गोस्वामी को या उनको किसी तरह से जो है बताएं कि मुझे आपकी जरूरत है आप आइए। लेकिन कृष्ण भगवान जो है प्रबंध करते हैं भक्तों के लिए। अगर हमने प्रमाणिकता से भक्ति की होगी तो भगवान हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करेंगे। अगर हमने प्रमाणिकता से भक्ति नहीं भी की होगी, भगवान इतने कृपालु हैं तब भी मदद करेंगे, लेकिन हमें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। हमें अपना जितना भी है तन मन धन, जितना भी हमारी शक्ति है, वो पूरी तरह से भक्ति में लगाना चाहिए। जैसे भक्ति उन्होंने ठाकुर कहते हैं, मानस देहोगे हो जो किछु मोर, अर्बिलु तुवा पदे नंद किशोर। अर्थात जो मेरा तन है, मेरा मन है, मेरी बोलने की शक्ति है, मेरा घर है, मैं सब कुछ आपके सेवा में लगाना चाहता हूँ। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दासा प्रति अधिकार। देखिए अभी इस वातावरण में इतना सब चल रहा है, पर भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है आज से कम 200 साल पहले, 150-200 साल पहले उन्होंने पहले ही बोल के रखा है क्या, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार। लेकिन जिस भी अवस्था में है, क्या हमारी इच्छा है, नित्य दासा प्रति तुवा अधिकार। हम हर परिस्थिति में एक ही चीज चाहेंगे कि हम भगवान के दास बने रहें, भगवान की सेवा करते रहें। तो फिर तीसरे श्लोक में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो ये ज्ञान देते हैं और इसके बारे में बताने लगते हैं परीक्षित महाराज के बारे में। तो उसके जो है तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कैसे महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी ने दोनों ने अपना जीवन सार्थक किया श्रवणम और कीर्तन द्वारा। तो श्रवणम के लिए महाराज परीक्षित प्रसिद्ध हैं और कीर्तनम के लिए सुखदेव गोस्वामी। फिर लिखते हैं प्रभुपाद कि कैसे अगर हमको आत्म साक्षात्कार करना है तो इसलिए हमें ध्यान पूर्वक श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा और उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। ये तात्पर्य में बतलाते हैं कि जब हम ध्यान पूर्वक ये श्रवण कीर्तन में आश्रय लेंगे तभी हमारा उद्धार होगा। तो हमने पहले भी देखा है प्रभुपाद बोलते हैं द प्रोसेस इज सिंपल, इसी श्लोक में आ रहा है ये, इसके 12वें अध्याय के 3रे श्लोक में, द प्रोसेस इज सिंपल बट ओनली द सिंसियर पार्टी कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। सिर्फ श्रवण करना है लेकिन जो बहुत ही ध्यान पूर्वक श्रवण करेगा उसको जो है ये लेगा इसका। जैसे प्रभुपाद बताते हैं प्रोसेस इज सिंपल एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। सिर्फ श्रवण करना, लेकिन कलयुग के जीव इतने भद हैं, इतने बेवकूफ हैं, इतने मूर्ख हैं, उनको लगता है अरे कि बड़ी तपस्या है यार, मैं क्यों सुनूं, मैं सब कुछ करूंगा, मैं सोऊंगा, मैं टीवी देखूंगा, मैं दुनिया भर का काम करूंगा पर भगवान का श्रवण नहीं करूंगा। उनको लगता है ये क्या करना, ये क्यों करना। श्रवण करना देखिए एक तरह से देखा जाए आलस के हिसाब से कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बैठे रहना है। और अगर आप थोड़ी तीव्रता से भक्ति करना चाहते हो तो ध्यान पूर्वक सुनिए, बस आपको सुनना है, ना पढ़ना है, ना आपको मेहनत करना है, ना कुछ करना है। सिर्फ सुन के भी आप सार्थकता प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन लोगों को उसमें भी रुचि नहीं है। और ऐसा नहीं कि इसमें रुचि नहीं है, उनको दूसरी चीजों में रुचि है। दुनिया भर का श्रवण करेंगे, दुनिया भर का चीजें देखेंगे, दुनिया भर की चीजें सुनेंगे पर इसमें नहीं करेंगे। तो हमारा भी वही प्रॉब्लम है जैसे गौरव प्रभु समझाते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ टाइम, देयर इज प्रॉब्लम ऑफ टेस्ट। हमारे पास समय की कमी नहीं है, हमें उसमें आकर्षण नहीं है। तो वो आकर्षण बढ़ाने के लिए हमें जो है प्रभुपाद लिखते हैं एरिडेंट हियरिंग फ्रॉम बोनोफाइड मास्टर द ओनली वे टू रिसीव ट्रांसेंडेंट नॉलेज। ये 12.3 में बताते हैं कि अगर कोई बहुत उत्साहित पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनता है गुरु से तो आपको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। तो स्टार्टिंग से हमने देखा शुशुशु, शुशुशु शब्द का उपयोग होता है जो है 1वे अध्याय के 2रे श्लोक में ही, मतलब अटेंटिव, कोई ध्यान पूर्वक सुने और उत्साहित रहे।
तो उसको ये ज्ञान मिल सकता है। तो ये एक बेसिक चीज है और वो हमें लेके चलना है, और जितना हम ये ध्यान से सुनेंगे उतना हमें उसका फायदा होगा। तो अभी हम लोग चौथा श्लोक साथ में पढ़ते हैं। सूत उवाच अपिप्पलाद धर्मराजा पितृवाद्रंजयान प्राजा प्रजाः निष्प्रिया सर्व कामेभ्य कृष्ण पादानुसेवया। तो इसमें युधिष्ठिर महाराज के गुण बताए गए हैं कि कैसे जो है धर्मराज युधिष्ठिर महाराज कैसे एक कृष्ण कृष्ण भक्ति में एक नेता थे, और उन्होंने कैसे जो है पूरा राज्य संभाला। तो बोलते हैं पितृवाद, पितृ मतलब वो पिता के समान थे। फिर बोलते हैं रंजयन, रंजयन प्रजा मतलब सारे के सारे जो प्रजा के थे, प्रजा थी उनकी, वो सारे खुश थे, आनंद में थे, और कभी भी उनका मन इंद्र भोग में नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये लास्ट में बोलते हैं कृष्ण पाद सेवया, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण भगवान के चरणों की सेवा करें। तो ये चीज भक्त जरूरी है, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण भगवान की सेवा में लगे हुए थे, इसलिए वो इंद्र भोग की तरफ नहीं आकर्षित थे। सर्व कामेभ्य निष्प्रह अर्थात किसी भी तरह का इंद्र भोग की तरफ आकर्षित नहीं थे। तो जैसे हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि कैसे हम इंद्र तृप्ति से बचें, तो प्रभुपाद हैं हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें कृष्ण को जोड़ना है। अर्थात जैसे हम कृष्णवान को अपने जीवन में पूरी तरह से जोड़ देंगे, तो उससे फिर हम बाहर की चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। जो गीता में बताया गया है परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टवा मतलब हायर टेस्ट। जब हमें इसका स्वाद आने लगेगा भक्ति का, तो उसके बाद हम अपने आप ही दूसरे सब चीजों की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें कंटिन्यूस सेवा करते रहना चाहिए। अभी भी जो हम श्रवण कर रहे हैं सब, ये भी सेवा है, श्रवण सेवा है, कृष्ण की हम भक्ति करने की सेवा कर रहे हैं, और ये सेवा भी हमें ज्यादा से ज्यादा अग्रसर करेगी, कृष्ण की ओर बढ़ाएगी। तो ये बहुत मुख्य तात्पर्य है। तो उसमें हम प्रभुपाद जी बहुत सारी चीजें बतलाते हैं, हम लोग एक एक करके लेंगे, इसके ऊपर चर्चा करें कि प्रभुपाद बोल रहे हैं ह्यूमन सोसाइटी फॉर ऑल द सफरिंग ह्यूमैनिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड वी सिंपली रिक्वेस्ट द लीडिंग पर्सनैलिटीज ऑफ द नेशंस टू टेक द साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। अब देखिए कैसे प्रभुपाद जी ने फिर से वही शीर्षक पे आ गए हैं कि पूरी दुनिया सफर कर रही है, और क्यों उनका सफर कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ति नहीं है। अगर कृष्ण भक्ति रहे, कृष्ण के नियम लोग पालन करें, तो अपने आप संतुष्ट रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जितने भी लीडर्स हैं वर्ल्ड के, हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो लोग जो हैं एक एक कंट्री के जो लीडर्स हैं, अगर वो लोग इसको समझ लें और उसके हिसाब से जो है पूरा देश को संभालें, तो पूरा देश जो है सुख में रहेगा, आनंद में रहेगा। तो बोलते हैं इससे आपका खुद का कल्याण हो सकता है, भागवतम से आपके समाज का कल्याण हो सकता है, और पूरी दुनिया का कल्याण हो सकता है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग जो हैं दुनिया का कल्याण बाद में करेंगे, समाज का कल्याण बाद में करेंगे, पहले हमें खुद को इस बात से पूरी तरह से कन्विंस होना है कि ये भागवतम मेरा जीवन का कल्याण कर रहा है कि नहीं। एक बार आपको उसके बारे में कन्विक्शन आ गया, आपको पूरी दृढ़ता आ गई, हाँ ये मेरा जीवन में पूरा परिवर्तन कर रहा है, तो फिर दूसरा स्टेप है आप अपने जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको आप कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, उनको बताने की कोशिश करें कि भाई ये भागवत मार्ग जो है सबसे कल्याणकारी रास्ता है। हाँ, उसमें हो सकता है सामने वाला माने नहीं माने, वो दूसरी चीज है, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है जितना हो सकता है हम प्रचार करें, लोगों को बताएं, और ऐसे करते करते जो है जितना ज्यादा स्प्रेड होगा, जितना भागवतम प्रचार होगा, उतना ये सब दूसरे सब चीजें बंद हो जाएंगी। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो है आम जनता हमेशा राम राज्य की लिए रुकी हुई है। तो प्रभुपाद बोले थे कि आपको राम राज्य चाहिए, तो पहले राम को अपने जीवन में लेकर आइए, राम की भक्ति करिए। आप पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं पर अपने आप को नहीं बदलना चाहते हैं, फिर कैसे होगा ये? तो लोगों को राम राज्य चाहिए, ठीक है,
तो पहले आप अपने राम को अपने जीवन में लाइए, राम भगवान के नियम को अपने जीवन में लाइए, भक्ति को पूरी तरह से करिए, और अपना घर को, अपना जीवन को राम राज्य बनाइए, फिर अपने परिवार को राम राज्य बनाइए और आगे वैसे बढ़ाते रहिए। तो बताया जाता है कि उस समय युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा थे, तो भारत के जितने भी राजा थे, विशेष रूप से युधिष्ठिर महाराज, उनके द्वारा वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते थे। और इंद्रप्रस्थ में बैठ के युधिष्ठिर महाराज ने पूरे विश्व को कंट्रोल करके रखा था। और ये प्रजा शब्द आता है, प्रजा मतलब जो उनका पूरे राज के, पूरी दुनिया के जितने भी लोग थे उन सबको। और इसका मतलब भी बदलाते हैं कि दैट विच इज बॉर्न, मतलब जो उनके, जिनका पैदाइशी होती है, अर्थात उनके पुत्रों के समान रहते हैं। तो बोलते हैं कि प्रजा मतलब पुत्रों के समान है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, सिर्फ मानव ही नहीं प्रजा आते हैं, दूसरे योनि के जानवर हैं वो भी प्रजा में आते हैं। तो अगर प्रजा है तो प्रजा में सिर्फ मानव का जो रक्षा करना और बाकी लोगों को मार देना, जानवरों को, वो प्रजा का ध्यान रखना नहीं है करके बताते हैं। तो बोलते हैं जैसे ब्रह्मा का नाम है प्रजापति, उन्होंने इतने सारे 84 लाख योनियां बनाए हैं और उनका यही उद्देश्य है कि सारे योनियों की रक्षा होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है उसके कारण ये सब जो है मुश्किलें आ रही हैं। तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में कि कैसे जो है, जो जानवर हैं उनको सुरक्षा नहीं मिल रही, लेकिन जो बड़े जानवर हैं उनको जो है नाम की सुरक्षा मिल रही है। प्रभुपाद दिखते हैं, लोअर एनिमल्स आर गिवन नो प्रोटेक्शन व्हाइल द हायर एनिमल्स आर गिवन सो कॉल्ड प्रोटेक्शन। ये बहुत जो है प्रभुपाद जी का शब्द महत्वपूर्ण है समझना। लोअर एनिमल्स मतलब जो जानवर हैं उनको सुरक्षा नहीं मिल रही, पर बड़े जानवरों को, बड़े जानवर अर्थात कौन, मनुष्य लोगों को। यहाँ जब बड़े जानवर बोल रहे हैं मतलब मनुष्यों को बोल रहे हैं, क्यों, मनुष्य भक्ति नहीं कर रहा तो जानवरों के समान ही है। फर्क इतना है कि उसको छोटे जानवर बोल रहे हैं जो जिनको मार काट देते हैं वो, और बड़े जानवर तो मनुष्य, और उनको बोलते हैं दे आर गिवन सो कॉल्ड प्रोटेक्शन, या मतलब उनको जो है सिर्फ बाहरी रूप से उनकी सुरक्षा हो रही है। क्यों बाहरी रूप से सुरक्षा हो रही है, इसका मतलब ये है कि जब तक भक्ति का ज्ञान नहीं होगा तो वो भी जानवर कैसे कत्ल खाने में जाके मरते हैं, वैसे ही उनका जब समय आएगा वो भी अंत में मर जाएंगे और पुनर्जन्मों के चक्कर में लगे रहेंगे। तो उनको भी जो सुरक्षा मिल रही है वो प्रामाणिक सुरक्षा नहीं है। तो उत्तम सुरक्षा क्या है, भक्ति की सुरक्षा। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई डॉक्टरेट है, बहुत बहुत बड़ा डिग्री है, उसका कोई मूल्य नहीं है बिना भक्ति के। तो ये चीज बतला रहे हैं प्रभुपाद। फिर बोलते हैं सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड विच इंक्लूड्स, अच्छा कि अर्थात आप सोचते हैं कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, तो ये समझना चाहिए भगवान की सेवा में उनके भक्तों की भी सेवा आती है, क्योंकि भगवान और उनके भक्त अलग अलग नहीं है, या भगवान के जो जीव हैं, तो भक्त तो भगवान के बहुत प्रिय हैं, लेकिन कई जीव होते हैं जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, लेकिन उनका भी सेवा करना बहुत जरूरी है तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। तो जैसे आज आप देख रहे हैं तकरीबन तकरीबन इतने दिनों में इस्कॉन ने 1.25 करोड़ जो है प्लेट प्रसाद इस लॉकडाउन में पूरे भारतवर्ष में बांटा है। तो बाहर के लोग जो हैं भक्त नहीं हैं, लेकिन उनकी भी हमें सेवा करनी है, उनको भी भक्ति से जोड़ना है, तो ये हमारा उद्देश्य है। अभी हम लोग 5वां श्लोक पढ़ेंगे साथ में। संपदा कत्वोलोका महर्षि भ्रातरो मही जम्बुद्वीपत्य माम च यस्य च त्रिदिवं गतम। तो बताते हैं कि श्लोक में बोलते हैं कि उनका, युधिष्ठिर महाराज का नाम और उनकी महिमा जो है ऊंचे लोकों तक पहुंच गई थी। यश्री त्रिदिवं गतम, त्रिदिवं मतलब उनका जो श्री था, उनका ऐश्वर्य था, वो ऊंचे लोकों तक पहुंच गया था, देवलोक तक। और देवलोक भी जो है, देवता भी वो चाहते थे कि हमें ऐसा ऐश्वर्य मिले। कैसा ऐश्वर्य? जैसा युधिष्ठिर महाराज के पास है। तो उसके ऊपर पूरा वर्णन करते हैं कि कैसे उनका यज्ञ करने का, और उनका जो है उनकी रानी और उनके भाई सब इतने शक्तिशाली थे, क्योंकि उनकी रानी द्रौपदी थी जो हवन यज्ञ में से, अग्नि में से उत्पन्न हुई थी,
उनके भाई भीम और अर्जुन थे, तो बोलते हैं कि उनके पास ऐसा पूरा पृथ्वी का राज्य था और सारे प्रजावासी उनकी सेवा करते थे, गुणगान करते थे, सब लोग भक्त थे। तो ऐसा राज्य देवता लोगों को चाहिए था, देवता लोग भी जो है उससे आकर्षित थे। तो बोलते हैं कि वन मस्ट क्वालिफाई हिमसेल्फ। तो प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि स्वर्ग लोग बहुत लोगों को जाने का बहुत इच्छा है, और ये जो वैज्ञानिक लोग हैं वो सोचते हैं कि हम लोग जो है कोई ना कोई रॉकेट और वो बना के पहुंच जाएंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं असंभव है, आप पुण्य काम करेंगे तभी पहुंच पाएंगे, नहीं तो वहां पहुंचना मुश्किल है। तो बोलते हैं सेक्रीफाइस और सेवा, अर्थात जब सेवा करेंगे और यज्ञ करेंगे तभी उसमें पहुंच सकते हैं। और यहाँ तक कि जो पापी लोग हैं उनको लग रहा है मैं ऊंचे लोग जाऊंगा, ऊंचे लोग तो छोड़ो, उनको मानव योनि भी नहीं मिलेगा, अगले जन्म में वो जो है जानवर की योनि में चले जाएंगे और वो और सफर करते रहेंगे अगर भगवान का नियम नहीं पालन करेंगे। ये 16वें अध्याय गीता के 19वें श्लोक को कोट करते हुए प्रभुपाद जी बतलाते हैं। छठा श्लोक, किं ते कामासुरस्प्राह मुकुंदा मनसो द्विजा अधि जाहुर्मुदनराजन कुशदस्थी यथेतरे। तो इसमें बोलते हैं मुकुंद मनसो, ये जो शब्द है बहुत जरूरी है कि कृष्ण युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि उनका मन कृष्ण भगवान में था, तो वो जो देवता लोग को इच्छा थी हमें ऐसा ऐश्वर्य मिले, उनका बिल्कुल भी मन नहीं था, वो बिल्कुल भी आकर्षित नहीं थे इन सब चीजों से। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि दो चीजें तात्पर्य में, दो चीज जीव को संतुष्ट करती है, एक इंद्र भोग, दूसरा भक्ति। ये दो चीज में जीव जो है पूरी तरह से लगा रहता है, पूरा उसका मन एकाग्र रहता है। देखते हैं हम लोग जैसे जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो लोग किसी तरह से भगवान में मन लगाए रखते हैं, और जो बाहर वाले लोग हैं जो भक्ति नहीं करते वो लोग इंद्र भोग में लगा के रखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दोनों समय में आप देखिए जो जीव है वो दासी है, दोनों समय में उसको लग रहा है कि नहीं मैं भौतिक जगत में भोग कर रहा हूँ पर भोग नहीं कर रहा, वो दासी है। तो एक जगह जब भक्ति कर रहा है तो कृष्ण भगवान का दास है, लेकिन जब वो भक्ति नहीं कर रहा, इंद्र भोग कर रहा है, तो अपने इंद्रियों का दास है। प्रभुपाद लिखते काम का दास है, क्रोध क्रोध का दास है, लोभ का दास है। तो वास्तविक रूप में वो दासी है, वो कभी जो है भोग करके अपने वश में नहीं कर सकता इस प्रकृति को, लेकिन उसको ऐसा भ्रम होता है, उसको लगता है कि मैं वश कर रहा हूँ। तो फिर अभी देखिए युधिष्ठिर महाराज का ऐश्वर्य क्या था, मतलब जो बताते हैं देवता लोग चाहते थे हमें ऐसा ऐश्वर्य मिले। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली फॉलो प्योर डिवोटी इवन दो डिवोटी डज नॉट एस्पायर फॉर देम। अर्थात अगर आप प्रामाणिक रूप से भक्ति करेंगे तो सब ऐश्वर्य आपको पास आ जाएगा, तो उसके लिए आपको अलग से चेष्टा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सिर्फ भक्ति कर रहे हैं तो मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, ये 88 89 की बात होगी। हमारे मंदिर में पेंटिंग करने का पैसा नहीं था, मैं आपको हकीकत कहानी बता रहा हूँ, 88 89 की बात है ये। अपना राधा गोपीनाथ मंदिर में पेंटिंग करना नहीं का पैसा नहीं था, और पूरा का पूरा दीवार का जो है ना वो बोलते हैं ना पपड़ी पपड़ी होकर बाहर आ गए थे। तो माधवानंद प्रभु ने संडे फीस्ट के बाद राधानाथ महाराज को बोला, संडे फीस्ट से पहले राधानाथ महाराज को बोला, महाराज हमारे मंदिर को पेंटिंग करने के लिए कराना चाहिए, तो हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन अभी कराना तो पड़ेगा क्योंकि हालत बहुत खराब हो गई है। तो महाराज बोला ठीक है, और महाराज ने जोरदार कीर्तन किया और जो है संडे फीस्ट किया, और कीर्तन के बाद सब लोग आके मिलते थे महाराज, वहीं व्यास आसन पर बैठे रहते थे आधे एक घंटे तक। तो उसमें एक व्यक्ति आके बोलता है महाराज आपका टेम्पल हॉल का हालत थोड़ा खराब है, मैं स्पॉन्सर करता हूँ और मैं स्पॉन्सरशिप करके पूरा पेंटिंग कराता हूँ। तो महाराज ने तुरंत एक भक्त को भेजा, बोला माधवानंद प्रभु को बुला के लेकर आओ। तो माधवानंद प्रभु आए तो महाराज बोले ये सज्जन जो है पूरा टेम्पल हॉल पेंट करने के लिए स्पॉन्सर करना चाहते हैं, और जो है उन्होंने बोला माधवानंद प्रभु अभी आप देख लीजिए, आप बोल रहे थे ना पेंटिंग कराना है करके, तो आप इनके साथ
जो है पूरा टेम्पल हॉल का काम करवा लीजिए। तो आप सोचिए, जिस मंदिर में एक समय की बात है पेंटिंग करने का धनराशि नहीं था, और आज उसी मंदिर का, सिर्फ मैं एक प्रोजेक्ट बताता हूँ, हमारे राधा कृष्ण प्रभु जो हैं अन्नामृत फूड फॉर लाइफ चला रहे हैं, उसमें कम से कम वो आज के तारीख में 12 लाख बच्चों को रोज खाना खिलाते हैं, 12 लाख बच्चों को रोज पूरे भारतवर्ष में। और अगर आप सोचें 12 लाख को बच्चों को जो खाना खिला रहे हैं, और एक बच्चे को खाना खिलाने का सिर्फ 10 रुपया भी कॉस्ट करें आप, 10 रुपए का खिचड़ी जो उनको दे रहे हैं, अगर 10 रुपए का खिचड़ी आप खिला रहे हो तो एक बच्चे का 10 रुपया हुआ तो 12 लाख बच्चों का 1 करोड़ 20 लाख होता है। एक दिन का 1 करोड़ 20 लाख बच्चों को खाना खिलाने का, वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट का मैं बता रहा हूँ आपको। तो जिस मंदिर में पैसा नहीं था पेंटिंग करने का, आज उसी मंदिर का एक भक्त जो है 1 करोड़ 20 लाख रुपए का रोज खर्चा कर रहा है, बच्चों को प्रसाद खिला रहा है। तो देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कैसे पहुंच गए। अगर आप तीव्रता से भक्ति करें तो प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं कि द ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली फॉलो फॉर अ प्योर डिवोटी इवन दो अ डिवोटी डज नॉट एस्पायर। भक्त को ये सब ऐश्वर्य नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ऐश्वर्य आ जाता है। और फिर प्रभुपाद जी ये उदाहरण बतला रहे हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना। बोलते हैं जिस तरह से कोई व्यक्ति भूखा हो, अगर कोई व्यक्ति भूखा होगा, समझ ले अभी कोई हम मंदिर में आता है, हाँ, और वो एक दिन ट्रैवलिंग करके आया है ट्रेन में, और कुछ खाने वाने का प्रबंध नहीं हुआ, सिर्फ फल वल खा के बैठा था और एकदम भूख लगी हुई है उसको, यू नो 25-28 घंटे ट्रैवलिंग करके आया हुआ है, और नहा धो के वो आता है रसोई में, किचन में, प्रसादम हॉल में खाने के लिए। तो आते ही आप उसको चंदन दोगे, सर पे चंदन लगाओगे, फिर आप उसको गले में गार्लैंड पहनाओगे, फिर आप चाहिए तो उसकी आरती उतारने लगोगे, तो बोलेगा भैया ये सब मत करो, एक दिन से कुछ खाया नहीं है, मुझे खाना दो। तो भागवतम ये उदाहरण दे रहा है, प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि जब भूख लगी होती है तो आपको कुछ और संतुष्ट नहीं करेगा, आपको एक ही चीज संतुष्ट करेगा, वो है भोजन, वो है आपको खाना। तो उसी प्रकार से जीव को एक ही चीज चाहिए, वो है कृष्ण भक्ति। अगर कृष्ण भक्ति नहीं है तो वो असंतुष्ट ही रहेगा। अभी ये जो चीज है, प्रभुपाद जी अपने अगले पूरे पैराग्राफ में बताते हैं कि पूरा दुनिया के लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग जो हैं भूखे हैं, दे आर ऑल हंगरी। तो ये हंगर हमें क्या लग रहा है कि भाई खाने के लिए है, इंद्र भोग के लिए है, आश्रय के लिए है, लेकिन ये भ्रम है। असली में ये सब चीजें जो है उनको आध्यात्मिक भूख लगी है, आध्यात्मिक इंद्रभोग चाहिए, आध्यात्मिक शेल्टर डिफेंस आश्रय चाहिए। अर्थात भूख लगी है पर भौतिक भूख नहीं है, आध्यात्मिक भूख है। क्यों? प्रभुपाद बोलते हैं जिनके पास भौतिक रूप से समृद्ध है धन इत्यादि से, वो भी दुखी है। तो एक चीज मुख्य है कि कृष्ण भक्ति की भूख है लोगों में, जब वो संतुष्ट होगा तभी व्यक्ति संतुष्ट होगा, नहीं तो बाकी कुछ भी होगा वो संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं एक आध्यात्मिक वातावरण चाहिए, और आध्यात्मिक वातावरण नहीं होगा तो वो संतुष्ट नहीं होगा। तो युधिष्ठिर महाराज के लिए बोलते हैं कि उनके पास क्या नहीं था, उनकी जैसे हमने बताया उनके पास राज्य था और पूरे विश्व की जो है जितना भी ऐश्वर्य था सब कुछ था कि पर उसमें वो आनंद नहीं। महाराज परीक्षित को ब्रह्मास्त्र का गर्मी लगता है, और 8वां श्लोक बहुत जरूरी है, ये आप लोग जिनको चाहिए तो कंठस्थ भी कर सकते हैं, हम लोग साथ में बोलेंगे। अंगुष्ट मात्र अमलम स्फुरुट पुराट मौलिनम अपिव्य दर्शनम स्नानम तद वाससम अच्युतम। तो ये श्लोक में बता रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने कैसे भगवान के दर्शन किए। तो भगवान जो है अंदर आए गर्भ में और उनको बचाए, तो उसका वर्णन आ रहा है अंगुष्ट मात्र ममलम, उनका कद कितना था, एक अंगूठे के समान। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अंगूठे के समान है मतलब भगवान इतने ही है क्या, नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि वो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में भी रह सकते हैं, और ऐसे जितने भी सैकड़ों सैकड़ों जीव है सबके हृदय में है, भगवान वही आध्यात्मिक जगत में है,
और भगवान वही एक कणु में, जो एक परमाणु होता है जिसे एटम बोलते हैं, उसमें भी भगवान व्याप्त है। तो भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि वो आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं, भौतिक जगत का पूरा जो है ध्यान रख सकते हैं, हृदय में परमात्मा के रूप में रह सकते हैं, एक परमाणु में, एटम में रह सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान उत्तरा के गर्भ में भी आ सकते हैं, और जब वो आते हैं तो वो कौन से साइज के होते हैं, हमारे अंगूठे के। और फिर प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि भगवान बड़े कृपालु हैं, जैसे अंगूठे के साइज के रूप में आए और परीक्षित महाराज को दर्शन दिए, वैसे ही कलयुग के बद्ध जीवों को कृपा देने के लिए भगवान विग्रह के रूप में आते हैं। तो जैसे हम विग्रह की सेवा करेंगे, विग्रह के सामने प्रार्थना करेंगे, विग्रह के सामने भक्ति करेंगे, तो भगवान अर्च विग्रह के रूप में हमारी सब स्वीकार करेंगे, प्रार्थनाएं, भक्ति। तो यहां तक कि वापस से भक्त लोग, क्यों? क्योंकि भक्त लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, जितने भी दुनिया के लोगों के लिए। अगर हम भक्त लोग प्रार्थना करें कि हे प्रभु, दुनिया में जितने लोगों ने जो जो गलत कार्य किए हैं, पाप किए हैं, उनको क्षमा करें, कृपा करके उनको भी भक्ति से जोड़ें और हमें निमित्त बनाएं जिससे हम उनकी सेवा कर सकें और आपको प्रसन्न कर सकें, तो हम बार बार ऐसे प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना भगवान अवश्य लेंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना अपने लिए नहीं कर रहे, अपने हम दूसरे जीवों के लिए कर रहे हैं। तो एक चीज हमें समझना जरूरी है, आज मैं कथा सुन रहा था उसमें एक स्टेटमेंट आया था कि एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन मैग्नीट्यूड इन सेवा। अर्थात आपका जो है स्वभाव क्या है, आप किस सोच विचार से सेवा कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है। आप कितना सेवा कर रहे हो, उससे ज्यादा ये जरूरी है कि आप जो भी सेवा कर रहे हो, आपका मन जो है पूरी तरह से एकाग्र हो, आप सेल्फलेस तरीके से सेवा करो। अर्थात आप सेवा करो कोई इच्छा और भोग करने के लिए नहीं, अहेतु की अप्रतिहता। देखिए ये श्लोक जो है, पहला अध्याय दूसरा चैप्टर नंबर 6, सवय बंसो परोधमान ये दो भक्ति दोष अहेतु की अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्ध। तो हम लोग जब मन में प्रसन्न नहीं होते, जैसे हम हमारा हेतु करते हैं, हमारे मन में इच्छा रखते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे जीवन में ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं भक्ति कर रहा हूँ लेकिन भक्ति के साथ साथ मुझे कृष्ण भगवान से ये सब चीजें चाहिए, या मेरे मन में ये इच्छाएं हैं, तब हम संतुष्ट नहीं होते, हम पूरी तरह से आनंद में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हम भक्ति के बदले में ये सब चाह रहे हैं। तो ऐसी कोई गलत बात नहीं है, आप अगर आप ध्रुव भी चाहिए था उनको ब्रह्मा से बड़ा राज्य चाहिए था, लेकिन कृष्ण भगवान शुद्धिकरण किया और फिर भक्ति में पूरी तरह से लगे। तो हमारे में इल कर दीजिए, रोक दीजिए, पर समझना ये है कि जब तक हमारे मन में अलग 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 तरीके की इच्छाएं होंगी, तब तक हम भक्ति का पूरा आनंद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम जो है निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं तो देखिए निश्चित रूप से आपको आनंद मिलेगा, क्योंकि ये भागवतम ने इसको सिद्धांत बताया हुआ है। निस्वार्थ भाव का सेवा संतुष्टि, स्वार्थ भाव का सेवा आप थोड़ा असंतुष्ट रहेंगे। तो ये बहुत मुख्य चीज है जो भक्तों को जानना है। और फिर जो भगवान का हमने सब सुना है कि कैसे वो फल बेचने वाली आती है दस स्कंद में, मैं इसमें आऊंगा अंगुष्ठ मात्रम श्लोक में, पर ये जो स्पीच में आप लोग को थोड़ा बताना था, भगवान का एक नाम है फल प्रदा। फल प्रदा मतलब वो फल प्रदान करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे तो वो खुद फलार्थी बन जाते हैं। फलार्थी बन जाते हैं मतलब ये संस्कृत शब्द है कि उनको फल की अपेक्षा है, उनको फल की अपेक्षा है, अर्थात उनको वो जो स्त्री थी ना जो फल बेच रही थी उसकी भक्ति थी, तो उसके भक्ति की तरफ आकर्षित हुए थे, इसलिए उससे वो फल प्रदान लेना चाहते थे। तो भगवान जैसे गीता में बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो भगवान को पत्ते और पुष्प में कोई रुचि नहीं है। ऐसा नहीं कि वैकुंठ में पत्ते और पुष्प नहीं है तो इसलिए वो यहाँ से मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भगवान इस फल से, पानी से क्या वापस वास्तविक रूप में लेना चाहते,
हमारी भक्ति। तो वैसे ही भगवान जो है उसकी भक्ति लेना चाहते थे। भक्ति के बदले में देखिए, मैंने जैसे बताया मटेरियल स्पिरिचुअल वेलबींग, प्रोपा जो बोलते हैं, मैं वापस से वही दोहरा रहा हूँ, इस ऑटोमेटिकली फॉलोड बाय मटेरियल वेलबींग। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो उसको कृष्णा के आदान प्रदान में कुछ नहीं मिला, क्योंकि उनके हाथ में से गेहूं जो भी दाने वाने थे सब गिर गए थे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको लाखों गुना ज्यादा दिया, अर्थात उसकी टोकरी में पूरे हीरे मोती और जो सोने वोने थे सब आ गए थे। अच्छा, जो है मरादानाथ महाराज बता रहे थे कथा में कि वो इतनी आकर्षित हो गई थी कृष्ण भगवान से कि उसने जितने भी ये सब सोने और इत्यादि थे वो जहां पे उसका फल था वहां पे गई, सारे के सारे फेंक दिया उसने और फिर से फल भर दिया और फिर से लेकर आई कृष्ण को देने के लिए। अर्थात कि जो भक्त होता है उसको बदले में अगर भौतिक रूप से बहुत कुछ मिल भी जाता है तो उससे वो आकर्षित नहीं होता, वो उसका एक ही आकर्षण बना रहता है कि मैं कृष्ण की सेवा करूं। और उसके तात्पर्य में बोलते हैं, मैंने अपने एक रिकॉर्डिंग वीडियो में भी दिया है कि जब भगवान की आप सेवा करते हैं तो आपको लाखों गुना मुनाफा होता है। तो प्रभुपाद अंग्रेजी में बोलते हैं कृष्णा बुक में, सर कृष्ण लाखों गुना फायदा होगा अगर आप कृष्ण भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे कृष्ण भगवान को बचाने के लिए सारे के सारे व्रजवासी बोलते हैं हम गोकुल से उनको कहाँ लेके जाएंगे, वृंदावन। तो गोकुल महावन में रहते थे पर वहां पे पूतना का आक्रमण हो गया, फिर वो जो है अर्जुना ट्री गिर गए, तनावरता के उधर परेशानी करता है और पूतना आ जाती है और ऐसे ऐसे बहुत सारे मुश्किलें आती हैं। तो सब लोग बोलते हैं हम वहां से ले जाते हैं वृंदावन। अच्छा, जब वृंदावन में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उधर वृंदावन में, अच्छा पहला तो ये चीज समझिए कि जब कृष्ण भगवान वहां पे आ जाते हैं तो उधर जो है तकरीबन रोज जो है दानवों का आक्रमण हो रहा था। लेकिन सब भक्तों ने क्या बोला, मुश्किलें आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, ठीक है, लेकिन हम कृष्ण नहीं छोड़ेंगे, कृष्ण के साथ ही रहेंगे। और फिर कृष्ण की सुरक्षा के लिए वो वृंदावन गए और उनको लगा वहां पे दानवों का आक्रमण नहीं होगा, पर वहां पे भी सारे दानव आ गए, वहां पे भी सारे सारे जो है अरिष्टासुर, धेनुकासुर, बकासुर, अघासुर सब वहां पे भी आ गए। तो उन्होंने क्यों ये डिसीजन लिया कि हम गोकुल महावन से वृंदावन जाना चाहते हैं, कृष्ण की सुरक्षा की। पर कृष्ण की तो सुरक्षा हुई नहीं, तो उनका एक तरह से डिसीजन गलत रहा। लेकिन आपने कोई डिसीजन कृष्ण की सेवा के लिए लिया हो, डिसीजन गलत भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कृष्ण की सेवा करना चाहते हो, गलत डिसीजन के बाद भी कृष्ण भगवान आपको पूरी तरह से आश्रय देंगे, पूरी तरह से आपको कृपा देंगे। तो यहाँ बताया जाता है अंगुष्ट मात्र ममलम कितना है, एक अंगूठे के समान है, स्फुरुट पुराट मौलिनम, अर्थात उनका जो सर में मुकुट था वो पूरा सोने का था और पूरा चकमगा रहा था। अपिव्य दर्शनम श्याम, उनका जो है काले रंग का उनका शरीर का सौंदर्य था और उनका जो कपड़ा उन्होंने पहना था वो जो है पीताम्बरी रंग था जो एक बिजली के समान चमक रहा था। और तद वाससम अच्युतम, तो अच्युतम मतलब फिर से अच्युत शब्द आता है, भगवान को अच्युत नाम बताया जाता है, अच्युत अर्थात जो कभी उनका पतन नहीं होता, हाँ, हु नेवर फेल्स, इनफेलिबल, किसमें नहीं पतन होता, अपने भक्तों को बचाने में, अपने भक्तों की सेवा करने के लिए। तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में बोलते हैं कौनते है प्रति जानी नाम भक्त अपनक्षति, कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। 9.31 प्रभुपाद कोट करते हैं गीता में से कि ये वर्णन है, भगवान के वाणी है कि मेरे भक्तों की हमेशा मैं सुरक्षा करूंगा। तो यहाँ परीक्षित महाराज को भी जो है ऐसा विकट परिस्थिति में उन्होंने बचा लिया। 9वां श्लोक हम लोग साथ में बोल सकते हैं, श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुम तप्त कंचन कुंडलम कसज्जाक्षम गदा पानीम आत्मना सर्वतो दिशम परिरंभानतम उल्खाबाहम भर्मन्यातम गदम मुहु। तो ये 9वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान
जो है चतुर्भुज रूप लेके, चतुर्बाहुम, चतुर्बाहुम मतलब चतुर्भुज लेके जो है उनको तप्त कांचन कुंडलम, उन्होंने सोने के गोल्ड के इयररिंग्स पहने थे, कुंडल पहने थे, और उनको जो है बहुत क्रोध आया था अश्वत्थामा के प्रति, तो उनका आंख पूरे लाल थे ऐसा वर्णन होता है। और गदा पानी में, उनके हाथ में गदा था और वो पूरी तरह से गदा घुमाते हुए एक तारे जो शूटिंग स्टार है अर्थात जो तारा नीचे आ रहा होता है उसके समान पूरी तरह से तीव्रता से वो घूम रहे थे गर्भ में, भगवान जो है परीक्षित महाराज को बचाने के लिए अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। तो ये चीज भगवान का बताया जाता है, भगवान स्वयं गदा लेके आ जाते हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए, ये एक निश्चित रूप से हमें आश्रय मिलेगा ये कथा सुन के। और फिर बोलते हैं कि दसवें श्लोक में कि जैसे ही भगवान ने अपनी अपनी शक्ति से जो है पूरी तरह से ब्रह्मास्त्र की जो अस्त्र का असर था या उसका जो हीट था, गर्मी थी, वो तुरंत उड़ा दिया, जैसे सूरज जो है एक बूंद पानी को कैसे उड़ा देता है, कैसे उसको जो है एकदम से अपने शक्ति से खींच लेता है। तो बोलते हैं सूरज के लिए एक बूंद पानी को जो है खत्म करना या उसको इवेपोरेट करना बहुत आसान है, तो उसी प्रकार से भगवान के लिए ब्रह्मास्त्र भले ही बहुत शक्तिशाली अस्त्र हो पर एक पल में भगवान ने पूरी तरह से उसकी शक्ति खींच ली और इसको बचा लिया परीक्षित महाराज को। फिर 11वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान किस तरह से जो है वहां से अदृश्य हो गए और भगवान चले गए उनको बचाने के पश्चात। तो अभी 12वें श्लोक में आता है, 12वें से 15वां श्लोक आता था, बताते हैं कि महाराज परीक्षित का जन्म को लेके क्या हुआ था, वो पूरा वर्णन करते हैं। तो 12वें श्लोक में वर्णन आता है कि कैसे महाराज परीक्षित का जन्म हुआ था, तो उनके जन्म के समय सब शुभ चिन्ह आए थे और ये नक्षत्रों और जो जो ये है एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस उसके हिसाब से थे। तो अभी इसके ऊपर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत मुख्य चीज बोलते हैं कि ये जो सितारों का नक्षत्र होता है या एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस होता है वो वास्तविक रूप में जो है जीव के ऊपर असर करते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पे ये राहु केतु वगैरह वगैरह शनि वगैरह जो भी हैं इसका असर होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारे जन्म से इसका असर होता है। प्रभुपाद लिखते हैं इट्स अ ग्रेट साइंस एंड मिसयूज ऑफ साइंस डज नॉट मेक इट यूजलेस, अर्थात ये एक विज्ञान है पर इस विज्ञान का लोगों के पास इसका ज्ञान नहीं है, इसके लिए जो है वो इसके बारे में जानकारी नहीं रखते पर ये प्रामाणिक है और इसका असर होता है। तो ओनली बाय, अब फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि किसी ने बहुत पुण्य किया हो तो उसके बाद उसको अच्छा शरीर मिलता है, अच्छा उसको जो है पढ़ाई लिखाई करने का अवसर मिलता है, उसका वो सुंदर बनता है, उसका सौंदर्य बढ़ता है। तो ये सब वर्णन आता है कि अगर आपके पास ये जो स्टार्स का कॉन्स्टिलेशन होता है तो उसके कारण। तो प्रभुपाद जी जिन्होंने ये बात बताई है वो उसके लास्ट पैराग्राफ में बोलते हैं 12.12 में, देयर विल बी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द वर्ल्ड ड्यू टू गुड सेन पॉपुलेशन ओनली, हेल एंड डिस्टर्बेंस ओनली बिकॉज ऑफ अनवांटेड इनसेन पॉपुलेशन एडिक्टेड टू सेक्स इंडल्जेंस। तो बोलते हैं करधान संस्कार ये सब इसके लिए है जिससे जी जो है अच्छे से भक्ति कर सके और भक्तिमय वातावरण में जो है नवजात शिशु को भी जो है उनका आगमन करा सके। तो मैंने जननिवास प्रभु से पूछा था कि जननिवास प्रभु ये सब स्टार्स और ये सब जो रहते हैं वो सब जो है उसका असर तो होता है, तो ये तो प्रमाणिक भी है, प्रभुपाद जी भी इस बात की पुष्टि करते हैं। तो मतलब बोलते हैं ना जैसे राहु केतु शनि वगैरह वगैरह जो भी सब, जो भी है ये सब असर करते हैं। तो उसके बारे में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, जनानिवास प्रभु ने बताया, मेरे को सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछा, आपको क्या लगता है कौन ज्यादा शक्तिशाली है, कृष्ण भगवान ज्यादा शक्तिशाली है या राहु केतु शनि या जो भी आप बोले,
वो सब शक्तिशाली है। तो मैंने बोला जनाने प्रभु अवश्य कृष्णा। तो बोले ये सब असर करेंगे, ऐसा नहीं कि भक्तों पे असर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप कृष्ण का पूरी तरह से आश्रय लोगे, कृष्ण की पूरी भक्ति करोगे, कृष्ण की पूरी तरह से सेवा करोगे, तो कृष्ण भगवान फिर इनको संभाल लेंगे। तो ये सब चीजें गलत नहीं है, ये सब असर करती हैं। वो साड़ी सती बोलते हैं या क्या क्या बोलते हैं, वो सब का मुझे इतना ज्ञान नहीं है, पर ये चीज है जो प्रभुपाद बोल रहे हैं, मैं दोहरा रहा हूँ आप लोगों के सामने कि ये सब सही है, वो असर करते हैं, लेकिन भक्त को चाहिए उसमें जाके ज्यादा भ्रमित नहीं हो, दिल लगा के भक्ति करें, और भक्ति की शक्ति से कृष्ण भगवान आपको जो है पार करेंगे। नहीं आ रहे बोलो कृष्ण का नहीं है, हर चीज से वो आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी हम 13वां श्लोक साथ में चर्चा करते हैं। तस्य पितामना राजा विप्रहिर्दौम्य कृपाद्भिः जातकं कार्यं आस वच्यन्ति च मंगलं, वच्यति तव च मंगलम। अभी जो है उनका नामकरण के लिए बताया जाता है दौम्य च कृपा कृपाब्दिभिः, कृपा मतलब कृपाचार्य, दौम्य मतलब दौम्य ऋषि, आदि भी मतलब और ऋषियों को बुलाया जाता है, उनका युधिष्ठिर महाराज उनका नामकरण के लिए कर रहे हैं, तो बहुत संतुष्ट होते हैं उनके जन्म के बाद, और फिर उनका नामकरण के लिए इनको सबको बुलाते हैं जो अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो बताया जाता है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट इज नेवर कंडीशनड बाय हायर और लोअर पेरेंटेज, प्रभुपाद बोल रहे हैं तात्पर्य में कि आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो आपने किस परिवार में जन्म लिया है उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपने किसी भी जगह जन्म लिया हो, अब आपके ऊपर है कि आपके जन्म की योग्यता और ये अयोग्यता नहीं है, अभी आपको पूरी तरह से भक्ति करना है। तो बताया जाता है बच्चा जैसे जन्म लेता है तो सबसे पहले जो है शुद्धिकरण होता है, जिसे बोलते हैं जाट कर्म। जात कर्म मतलब जो बच्चे के पैदा होने के बाद सबसे पहला यज्ञ होता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं वो है जात कर्म। जब गर्भ में रहता है तो गर्भ में आने से पहले वो जो है गर्भधान संस्कार होता है वो, और ऐसे अलग अलग सिमंतो नयनम संस्कार होता है, फिर सद भक्षणम जो है वो संस्कार होता है, ऐसे बहुत सारे संस्कार हैं उसका पूरा वर्णन करते हैं। अच्छा, उसमें जो है कृपी और कृपाचार्य का जन्म का वर्णन आता है कि कैसे एक ऋषि थे जिनका नाम था सर्दमन, और वो जो है एक बार जनपति नामक अप्सरा से मिलते हैं, उससे बहुत आकर्षित हो जाते हैं, और जनपदी अप्सरा के द्वारा सर्दमन जो ऋषि हैं वो पुत्र और पुत्री की प्राप्ति करते हैं जिसका नाम कृपा और कृपी होता है। तो कृपी जो है वो द्रोणाचार्य की बीवी बनती है और कृपाचार्य गुरु गुरु बनते हैं और वो उनको मदद करते हैं। तो बताया जाता है कि जब युधिष्ठिर महाराज जो है अंतिम समय में जब कृष्ण भगवान लीला खत्म करके जा रहे होते हैं तो उस समय वो महाराज परीक्षित को कृपाचार्य के हाथों में सौंप के जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि कृपाचार्य जो है वो प्रामाणिक ब्राह्मण है और वो महाराज परीक्षित का जो है अच्छा सा ज्ञान देते हुए उसका सुरक्षा करते हुए उसको एक जो है प्रामाणिक राजा बनाएंगे और उनके हाथ में छोड़ के वो चले जाते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। फिर दूसरा पॉइंट बोलते हैं एम्परर्स वर ऑलवेज अंडर द गाइडेंस ऑफ लर्नेड ब्राह्मणास लाइक कृपाचार्य, मतलब जो भी राजा थे उस समय उस राजा के पीछे उनको ज्ञान किसका मिलता था, वो था ब्राह्मणों का, जो कृपाचार्य जैसे बहुत शास्त्रों में पढ़े लिखे पंडित रहते थे, ज्ञानी थे। तो प्रभुपाद जी एक और चीज बतलाते हैं कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो लास्ट थे और वो जो है मार्गदर्शन करते थे, तो बताया जाता है ये एक लास्ट एग्जाम्पल था कि कैसे एक ब्राह्मण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पीछे चाणक्य चाणक्य थे, तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा गाइड करते थे और उनको बताते थे कैसे करना क्या करना है। तो ये तो राजाओं के लिए बोल रहे हैं, पर हम अपने जीवन में भी अगर साधुओं की बात माने तो हमारे मंदिर में महाराज ने एक पूरा काउंसिल सिस्टम बनाया हुआ है, उसका उद्देश्य यही है कि हम जो भी कार्य करना है साधु के जो है मार्गदर्शन में करें तो वो वास्तविक रूप में भगवान का मार्गदर्शन होगा और भगवान का हमें कृपा मिलेगा उसके अंदर। जैसे यहाँ तक कि कृष्णचंद्र प्रभु इतने बड़े
जो है प्रोफेशनल बिजनेसमैन है वो पूरा राधानाथ महाराज से ही चर्चा करते हैं, राधानाथ महाराज का एडवाइस लेते हैं, उनके मार्गदर्शन पे कार्य करते हैं। तो महाराज उनको एक बार बता रहे थे, महाराज को पूछ रहे थे कि महाराज अभी हमारी कंपनी एक जमाने में मफतलाल इंडस्ट्रीज, आज से 40-50 साल पहले बोलते थे तो मफतलाल तो पूरे भारतवर्ष में सबसे प्रमुख थी, और अभी तो इतना कुछ भी नहीं कर रही, बहुत हमारा जो बिजनेस बैठ गया है, पर दूसरी दूसरी कंपनी जो है जैसे पेप्सी कंपनी है, बाकी दूसरे दूसरे कंपनी है, पूरे जो है वर्ल्ड में फेमस हो गए हैं और इंडिया में भी कई कई कंपनी फेमस हो गए हैं, तो महाराज कैसे करना चाहिए, कैसे बिजनेस करना चाहिए। तो महाराज बताने लगे कि देखिए ये जो टॉप के वर्ल्ड के कंपनीज होते हैं जैसे पेप्सी है या वगैरह वगैरह, अगर आप देखेंगे उनके जो सीईओ हैं, सीईओ अर्थात उनके जो मेन प्रोप्राइटर हैं जो बिजनेस चलाते हैं उसका, वो लोग अधिकांश समय जो है ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनका पारिवारिक जीवन कुछ नहीं होता, उनके पास धन बहुत रहता है और पारिवारिक जीवन रहेगा तो कोई उनसे खुश नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो 12, 14, 16, 18 घंटे ऑफिस में काम करते हैं, तो उनका कंपनी पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट आता है, मना नहीं है, पर उनका खुद का पर्सनल जीवन देखिए क्या है। तो भौतिक रूप से भी उनका कुछ कल्याण नहीं होता, सिर्फ इतना कल्याण होता है कि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, इतना कल्याण होता है कि कंपनी का नाम पूरे विश्व में आगे आ रहा है, पर उनका खुद का परिवार में कोई खुश नहीं रहता, उनसे कोई भी जो है उनसे संतुष्ट नहीं रहता, और आध्यात्मिक का क्या कहना। तो महाराज बोले भले आपका कंपनी जो है बहुत बड़ा कार्य ना करे, बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाए, लेकिन इससे आपके परिवार वाले आपसे खुश हैं, आप खुश हो, आप अपना जीवन सही मायने में कर रहे हो, और सबसे मुख्य अगर आप आध्यात्मिक रूप से जीवन व्यतीत कर रहे हो तो इस भौतिक जगत में कोई कंपनी को बड़े रूप में चलाने में और कोई जो है इतना बड़े में नहीं पर आम रूप से चलाने में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो महाराज ये समझा रहे थे कि जितने जितने लोग ऐसा पूरा वर्ल्ड में टॉप में आने की कोशिश करते हैं वो सफल हो जाते हैं, पर उसके लिए उनको अपना पूरा परिवार, पूरा सब कुछ दांव पे लगा देना पड़ता है और इससे कुछ फायदा नहीं होता। तो मैं भागवत कथा में सुन रहा था, ये जो गौरांग दर्शन प्रभु भी आज सुबह को, रोज सुबह को बोलते हैं कि हमने ये सुना हुआ है कि कैसे अलग अलग दानव आके आक्रमण करते थे, पर हमें ये नहीं मालूम है कि एक एक दानव कितने शक्तिशाली थे। तो जस्ट मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ जो मैंने उनका सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने तुरंत लिख लिया। जब बकासुर जो है उसको कृष्ण भगवान पे आक्रमण करते हैं, और बकासुर मतलब जो एक क्रेन होता है बतख, तो बतख क्या करता है अपने चोंच से मछली पकड़ता है, तो वैसे उन्होंने कृष्ण भगवान को अपने चोंच से पकड़ के निगल लिया, और जब उनको निगल लिया तो सारे के सारे जो है गोपा वो जो है इतने दुखी हो गए, इतने चिंता में आ गए, यहाँ तक कि बलराम जी स्वयं वो इतने दुखी हो गए, वो इतने चिंता में आ गए कि सारे के सारे जो है गोपा और बलराम जी सब मूर्छित हो गए। तो अभी कृष्णा भगवान की सहायता करने के लिए सारे देवतागण आ गए हवा में, और अभी देवता जन क्या क्या कर रहे हैं वो सुनिए अभी आप लोग ध्यान से। बकासुर का जो है वध करने के लिए सबसे पहले इंद्रा अपना सबसे शक्तिशाली थंडरबोल्ट या वज्र उसका प्रहार करते हैं। बकासुर इतना शक्तिशाली था, वज्र का कुछ असर नहीं होता उसके ऊपर। फिर ब्रह्मा जी आ जाते हैं, ब्रह्मा बोलते कृष्ण को तो हमें बचाना है किस तरह से, तो उनका जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र है वो है ब्रह्म दंड, वो ब्रह्म दंड का उपयोग करते हैं। तो ब्रह्म दंड का उपयोग करने के कारण बताया जाता है दो घाटिका, घटिका मतलब एक घटिका होता है 24 मिनट, दो घटिका होता है 48 मिनट, तो 48 मिनट तक जो है बकासुर मूर्छित रहता है, लेकिन फिर वो खड़ा होके युद्ध करने लगता है, और अभी भी कृष्ण अंदर ही है। तो फिर अंतिम में शिव को आना पड़ता है और शिव अपना त्रिशूल फेंकते हैं, तो उससे सिर्फ एक पंख कटता है बकासुर का, लेकिन वो मरते नहीं है, और बिना एक पंख के फिर भी वो उड़ पाते हैं और उनको कोई रोक नहीं पाता। वायु आते हैं, वो अपना वायु का जो अस्त्र होता है वायु अस्त्र वो प्रयोग करते हैं, उसका कुछ असर नहीं होता। फिर यमराज आ जाते हैं, और यमराज का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है यम दंड,
जिसके सामने सब लोग झुक जाते हैं, यम दंड का प्रयोग करते हैं, वो कुछ असर नहीं करता। सूर्यदेव आते हैं, वो 100 तीर मारते हैं, उसका कुछ असर नहीं होता। कुबेर आते हैं और उनका अपना शक्तिशाली वस्त्र इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरा पंख बकासुर का कट जाता है, पर वो मरते नहीं है, फिर भी वो हिलते नहीं है, पूरी तरह से वो आक्रमण कर रहे होते हैं। फिर सोम जो है, सोम अर्थात जो चंद्र के चंद्रदेव हैं, वो आते हैं और चंद्रदेव शीतलता प्रदान करते हैं, ठंडा करते हैं। तो सोम आके क्या करते हैं, वो पूरी की पूरी तरह से जो है ठंडा कर देते हैं, बर्फ का वातावरण कर देते हैं, जिससे वापस से बकासुर मूर्छित होता है पर मरता नहीं है। अग्नि आता है, अग्नि देव आते हैं, फिर अग्नि अस्त्र का प्रयोग करते हैं, जो उनकी सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। अग्नि उसके जो पर है बकासुर के, उसको जला देती है पर मरता नहीं है बकासुर अभी भी। फिर वरुण आते हैं, वरुण अपना वरुण पाश इस्तेमाल करते हैं, उससे जो है उनका कुछ नहीं होता। फिर भद्रकाली जो है अपनी गदा लेके आती है, वो मारती है, भद्रकाली दुर्गा देवी अर्थात, तो उससे वो फिर मूर्छित होते हैं पर उनका फिर भी अंत नहीं होता। कार्तिकेय जो देवताओं के सबसे प्रमुख हैं, कमांडर हैं, वो आते हैं, फिर वो अपना शक्ति अस्त्र इस्तेमाल करते हैं, शक्ति अस्त्र का भी इस्तेमाल नहीं होता, कुछ नहीं होता उसके ऊपर असर। तो देखिए यहाँ सारे 12 देवताओं का मैंने आपको विश्लेषण बता दिया, और 12 के 12 देवताओं ने सबसे प्रमुख अस्त्रों का इस्तेमाल किया, वो भी किसके ऊपर, एक एक असुर पे, बकासुर। इन सबका बॉस कौन है, कंसा। तो सोचिए कंसा में कितनी शक्ति होगी कि इन सबको अपने अधीन करके रखा है। जो 12 देवतागण, वो भी सबसे प्रमुख ब्रह्मा शिव इंद्र कार्तिकेय भद्रकाली अग्नि सब मिलके कुछ नहीं कर पाए। और फिर बताया जाता है कृष्ण भगवान ने कैसे अपने उनके गले में जो है अग्नि प्रज्वलित की, जिसके कारण वो उनको रख नहीं पाए, बाहर निकाले, और फिर कृष्ण भगवान ने उनकी दोनों चोंच को पकड़ा और फाड़ दिया, जो हमें कथा कृष्ण लीला से मालूम है। पर ये जो है गोपाल चंपू में इसका वर्णन आता है। तो ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया कि हमें जब हम सुनते हैं हरि कथा, तो हमको लगता है कि हाँ ऐसे ही ये राक्षस आ गया गधे के रूप में, ये राक्षस आ गया बका के रूप में, या वत्स के रूप में वत्सासुर आ गया। नहीं, ये लोग इतने शक्तिशाली थे कि सब देवी देवता मिलके उनको परास्त नहीं कर पाते थे, इसलिए कृष्ण भगवान को ही खुद आना पड़ा और सबका अंत करना पड़ा। तो जो अभी जो है 13वां श्लोक हमने चर्चा किया, फिर 13 और 14 श्लोक में बतलाते हैं कि महाराज युधिष्ठिर जो है उनका महाराज परीक्षित के जन्म होने के कारण सब ब्राह्मणों को बुलाते हैं और खूब विस्तार में दान पुण्य करते हैं। तो बोलते हैं वो सोना देते हैं, जमीन देते हैं, गांव देते हैं, हाथी घोड़े देते हैं और बहुत सारा अनाज देते हैं। ये सब जो बताया जाता है, जब भी कोई बालक की प्राप्ति होती है दान पुण्य करना चाहिए, तो ये प्राचीन काल से सभ्यता है जो महाराज युधिष्ठिर भी करते हैं। प्रोपाजी तात्पर्य में लिखते हैं, ओनली ब्राह्मणास एंड सन्यासीज आर ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट चैरिटी फ्रॉम हाउस होल्डर्स, कि जो ब्राह्मण है और जो सन्यासी है उसी का जो है कर्तव्य बनता है दान स्वीकार करने का। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण और सन्यासी दोनों एक ही कार्य में लगे रहते हैं, वो है भक्ति का प्रचार के लिए। अच्छा, वो लोग का पूरा समय क्यों वो लोग दान लेते थे, क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए बाहर नहीं जाते थे। क्यों पैसा कमाने के लिए बाहर नहीं जाते थे? क्योंकि उनको मालूम है पैसा कमाने से ज्यादा मुख्य जरूरी चीज है लोगों की आध्यात्मिक भक्ति बढ़ाना, तो इसलिए वो पैसा नहीं कमाते थे। और ऐसे ब्राह्मण को, ऐसे सन्यासी को जो है सब लोग आके दान देते थे। तो बताया जाता है क्योंकि ये लोग जो है पूरे लोगों के जन समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करते थे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऐसा मतलब ये नहीं है कि कोई भी गरीब दरिद्र व्यक्ति आ जाता था और ये जो भी दान पुण्य हो रहा है वो उसमें हाथी घोड़े जमीन गांव लेके जाता था। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी दरिद्र व्यक्ति आके नहीं लेके जा सकता, सिर्फ प्रामाणिक ब्राह्मण जो भगवान की सेवा में लगे हैं उनको ही ये सब दान मिलता था। क्यों ये सब दान मिलता था? जिससे उनका जो है मन ये सब चीजों में नहीं जाए कि मुझे धन कैसे एकत्रित करना है, मुझे धन कैसे अपने परिवार के पोषण के लिए रखना है या वगैरह वगैरह, नहीं, या मेरे पोषण के लिए करना है। वो अपना मन सिर्फ कृष्ण भगवान के प्रचार में लगा के रखते थे और बाद में ये सब चीजें अपने आप आ जाती थी।
तो फिर प्रो इसमें जो हम लोग ने पिछले इसमें देखा जात कर्म क्या होता है उसका वर्णन करते हैं प्रोपा जी। जब तक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में उसकी जो नाभि से निकलता है ना वो जो पाइप है प्रोपा लिखते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड, उससे जब तक जुड़ा रहता है तो वो माँ का ही शरीर का एक अंग होता है। लेकिन जिस दिन वो जब उसका जन्म होता है और उसको काट देते हैं तो उसको बोलते हैं जात कर्म। जात कर्म मतलब अभी वो अलग हो गया है माँ के शरीर से, जब तक तो वो जुड़ा हुआ है माँ के गर्भ में उस नाभि से तब तक वो एक ही शरीर माना जाता है, माँ बेटे एक ही हैं। लेकिन जैसे ही जब वो कट जाता है और तो वो अलग शरीर होता है, अलग पुत्र या पुत्री के नाम से होता है और फिर उसे जात कर्म करके बोलते हैं वर्णन करते हैं। फिर बताया जाता है 15वें श्लोक में कि ब्राह्मण जो है पूरी तरह से संतुष्ट होके जो है महाराज परीक्षित बतलाते हैं महाराज युधिष्ठिर को कि कैसे परीक्षित जो है वो आपके ही वंशों में आ रहे हैं और वो बहुत शक्तिशाली हैं करके, जो पूर्व वंश है उसका 15वें श्लोक में बताता है पूर्व वंश में ही वो आ रहे हैं करके ऐसे वर्णन करते हैं। फिर 16वें श्लोक में बताते हैं कि अभी यहाँ से ब्राह्मण जो है महाराज परीक्षित का भविष्य बतला रहे हैं कि कैसे महाराज परीक्षित जो है बहुत शक्तिशाली हैं और उनके बारे में पूरा वर्णन कर रहे हैं। तो 16वें श्लोक में बोल रहे हैं कि भगवान ने स्वयं उनकी रक्षा की है और वो अभी आपका वंश आगे बढ़ाने वाले हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं दो कारण से कृष्ण भगवान ने महाराज परीक्षित को बचाया था। क्या इस वंश के वो आखिरी पुत्र हैं, क्योंकि अभिमन्यु के बाद जो है अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित ही थे और वो जो है महाराज परीक्षित उनका कार्य था जो है पूरा राज संभालना और पूरी प्रजा को कृष्ण भक्ति करवा के भगवत धाम लेके जाना। तो उसका वर्णन करते हुए बोलते हैं कि इसलिए कृष्ण भगवान ने उनको बचाया था। तो 17वां श्लोक हम लोग साथ में चर्चा कर सकते हैं। तस्मान नामना विष्णुराता इति लोके भविष्यति नस्ने देहो महाभागा महाभागवतो महान। तो देखिए इस श्लोक में बताते हैं कि ये जो ब्राह्मण है वो बता रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को कि ये जो परीक्षित है इसका एक नाम पड़ेगा तस्मान नामना, नाम क्या पड़ेगा विष्णुराट। विष्णुराट अर्थात जिसको विष्णु ने स्वयं बचाया था। इति लोके भविष्यति उस नाम से वो भविष्य में जाने जाएंगे। इनका नाम पड़ेगा विष्णुराट अर्थात इसको विष्णु ने बचाया था, इतने महान थे ये बालक। न स्नेध्यो महाभागा कि उनको जो है उनको महाभागा बताया गया है। महाभागा मतलब आप उसमें जो है संदेह मत करिए, ये वाकई महाभाग्यशाली है। हाँ, महाभागा भाग्यशाली लेकर आए हैं। और महाभागवतो महाभागवतो मतलब एक महान भक्त हैं और उनमें महान गुण भी हैं। तो महान भागवत हैं, महान गुण हैं और महाभाग्य लेकर आए हैं विष्णुराट अर्थात महाराज परीक्षित। ऐसे करके प्रभुपाद जी उसका अनुवाद में बतलाते हैं। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बोलते हैं तीन तरह के जो है भक्त होते हैं। एक होते हैं मध्यम अधिकारी, एक होते हैं कनिष्ठ अधिकारी और एक होते हैं उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी मतलब थर्ड क्लास डिवोटी जो सबसे नीचे स्तर पे है, वो क्या करता है सिर्फ भगवान का मंदिर में जाके दर्शन करता है, मंदिर में डोनेशन देगा और बस। उसको भक्तों से कुछ लेना देना नहीं, बस भगवान को उसको लगता है मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं प्रगति कर रहा हूँ, तो उसको कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं। मध्यम अधिकारी मतलब ये हम लोग के लिए ज्यादा लागू होता है। डिवोटीज हु डेवलप्ड अ मेंटेलिटी ऑफ जेन्युइन सर्विस टू द लॉर्ड मतलब भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भक्तों के साथ वो मित्रता बनाते हैं और जो है जो नए भक्त हैं उनको मार्गदर्शन करते हैं और नास्तिकवादी लोगों से दूर रहते हैं। तो ये हमारे लिए जरूरी है समझना, क्या जो भक्तों के साथ वो भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, भक्तों के साथ मैत्री संबंध बनाते हैं, दोस्ती करते हैं, नए लोगों को भक्ति में प्रोत्साहन करते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं, और जो नास्तिकवादी व्यक्ति हैं उनसे दूर रहते हैं, उनको जो है पास आने नहीं देते। तो ये बहुत जरूरी है हमें समझना। फिर बतलाते हैं कि कैसे जो उत्तम अधिकारी है वो हर चीज में जो है भगवान को देखते हैं, वो भगवान के स्मरण से कभी वंचित नहीं होते
वो हर कार्य भगवान के लिए करते हैं, यहाँ तक कि हर जीव को भगवान का अंश देखते हैं, जो बहुत उत्तम अधिकारी, जो सबसे ऊंचा स्तर है। तो प्रभुपाद जी यहाँ तक भी बोलते हैं कि जो वास्तविक रूप में उत्तम अधिकारी है वो मध्यम अधिकारी के स्तर पे आते हैं, तभी वो इस सृष्टि में आदान प्रदान कर पाएंगे। नहीं तो जो शुद्ध भक्त है वो तो सबको भगवान का अंश देखता है, वो तो सबको समान ही देखेगा, तो उससे फिर प्रचार नहीं हो सकता करके। तो ये उत्तम अधिकारी का बतलाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं बर्थ ऑफ फर्स्ट ग्रेड डिवोटी द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, हाँ ये बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बोल रहे हैं, इसके आखिरी चार पांच लाइन में है कि ये 17वें श्लोक में है, आखिरी चार पांच लाइन में फर्स्ट ग्रेड डिवोटी। अच्छा ठीक है, तो हम लोग इस पे छोड़ देते हैं 17वें श्लोक में, कल हम लोग 17वें श्लोक से वापस से चर्चा करेंगे।